तो चलिए आज हम बात करते हैं कि पेनेरबी जो है इसको अपने लैपटॉप में कैसे लॉगिन करेंगे। तो जो भाइयों ने अपना पेनेरबी का आईडी और पासवर्ड ले लिया है उसको लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले आप अपने मोजिला ब्राउजर में आ जाइए, उसके बाद गूगल सर्च कर लीजिए। गूगल सर्च करने के बाद यहाँ पे लिखना है पेनेरबी। जैसे ही पेनेरबी लिखे टाइप करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले ये जो लिंक आएगा पेनेरबी, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो देख रहे हैं बीसीए एजेंट और ये बीसीए एसबीपी, ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है और ये बीसीए एजेंट जो रिटेलर है उसके लिए है। तो चलिए हम लॉगिन करके दिखाते हैं इसको। जैसे बीसी एजेंट पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे टर्मिनल आईडी और नीचे की तरफ पासवर्ड देना है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करते हैं। आईडी और पासवर्ड जैसे ही डालकर लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और इसमें देखना है कि आपका ये जो मनी ट्रांसफ़र है इस पर क्लिक करने के बाद क्या लिख रहा है। अगर आपका केवाईसी स्टेटस पेंडिंग अप्रूवल दिखा रहा है तो इसको अप्रूवल करवाने के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट पे आइए। कॉन्टैक्ट पे आने के बाद ये जो देख रहे हैं ईमेल कस्टमर केयर @penerbi.in, इस पर अगर आप मेल कर रहे हैं तो मेल कर जो भी आपके पास प्रॉब्लम है इस पे मेल कर दीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो आपको अगर फ़ोन से करना है तो यहाँ से ये नंबर है जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल से इसको कॉल करके आप अपना बता दीजिएगा कि मेरा केवाईसी स्टेटस पेंडिंग है। वहाँ से ये आपका 24 आवर्स के अंदर ये आपका जो अप्रूवल है हो जाएगा, पेंडिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैनल का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।